पाकिस्तान से एक अगली खबर सामने आई है। 10 दिनों तक चली बातचीत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP सरकार बनाने के लिए फाइनल समझौते पर पहुंच गई है। PMLN के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास अब सरकार बनाने के लिए बहुमत के 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद पाकिस्तान में किसी भी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया था। इसके बाद पाकिस्तान के सभी दल गठजोड़ के लिए लग गए थे और वही हालांकि दोनों दलों के शीघ्र नेताओं के बीच हुई आखिरी बातचीत बेंती जो रही। इसके एक दिन बाद दोनों पार्टियों ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए पावर शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के पास बैठकर PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ हमारी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ बताया सुनिए। मैं यहाँ पर मौजूद अपने सहाबी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए इस अहम मौके के ऊपर। मैं जनाब सदर जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस प्रेशर का इंतजाम करवाया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चंद दिन पहले मैंने और फिर दर्जा बदर्जा पीपल्स पार्टी के जोमान ने जो आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से वो बनाएं, कौम को अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। हम न सिर्फ उसको दिल से कबूल करेंगे, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और फिर हम आइन के मुताबिक हम बाकायदा ऑपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे और वो कारोबार हुकूमत चलाएं कि ये मुल्क की इस वक्त आम तरीन जरूरत है। लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। अभी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद और MWM के साथ भी अपना अरेंजमेंट किया है लेकिन इसके बावजूद उनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। इसके साथ साथ हमारी जमात की और पीपल्स पार्टी की दरमियान जो कमिटीज बनी थी उनके गुफ्तगू के कई दौर हुए और हर मर्तबा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ गुफ्तगू हुई और जिसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। इसके लिए मैं प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें भरपूर तावुन किया और इसके लिए मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी बेहद मशकूर हूं कि जिनकी लीडरशिप और गाइडेंस के तहत ये पार्लेस ये गुफ्तगू हतमी और मस्बत नतीजे पर आज पहुंची है।